अखिलेश यादव इन दिनों अपने ही इंडिया गठबंधन के खिलाफ बयान को लेकर चर्चा में है, लेकिन इस सब चर्चा से परे मध्य प्रदेश में उनकी खाली कुर्सी की खूब चर्चा हो रही है। वैसे तो अखिलेश यादव बुधनी में सपा प्रत्याशी मिर्ची बाबा के समर्थन में सभा करने पहुंचे थे, मां नर्मदा के घाट पर पूजा अर्चना भी किया, लेकिन वह सभा को संबोधित किए बिना ही लौट गए। दरअसल जहां अखिलेश की सभा होनी थी वहां भीड़ जमा नहीं हो सकी, सभा स्थल पर कुर्सियां खाली रही। अखिलेश सोच में पड़ गए कि मध्य प्रदेश में सीट को लेकर कांग्रेस से लड़ा भी और जब सभा करने पहुंचा तो कुर्सियां खाली मिली। ये सोचकर अखिलेश यादव बिना रैली को संबोधित किए ही लौट गए। हालांकि उन्होंने मीडिया से जरूर बातचीत की। मीडिया से बातचीत के दौरान अखिलेश यादव ने मिर्ची बाबा की तुलना योगी आदित्यनाथ से कर दी। उन्होंने कहा कि हमारे बाबा यूपी वाले बाबा से कम नहीं है, अगर दोनों को एक साथ खड़ा कर दिया जाए तो हमारे वाले 20 निकलेंगे और वो 19 ही रह जाएंगे। कम से कम हमारे मिर्ची बाबा भी कम नहीं है उत्तर प्रदेश वाले बाबा के। और मुझे तो लगता है कि अगर दोनों लोगों को साथ खड़ा कर दें तो हमारे 20 निकलेंगे, वो 19 निकलेंगे। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने आगे कहा कि डबल इंजन के सरकार के इंजन आपस में टकरा रहे हैं, इनके पास कोई सीएम चेहरा नहीं है। हम सामान्यतः देखते हैं कि राजनीति में प्रमोशन होता है, लेकिन मध्य प्रदेश पहला ऐसा प्रदेश है जहां राजनीति में डिमोशन हुआ है। हराना चाहिए इस जनता को, क्योंकि जिस तरह मध्य प्रदेश में देख रहे हैं राजनीति में डिमोशन हो रहा है। जो कभी सांसद थे, मंत्री थे, उनके कहने पर उनको लड़ाया जा रहा है चुनाव। और यकीन करो मेरी बात का, जिस तरह बीजेपी के लोग इनका नाम नहीं ले रहे मुख्यमंत्री जी का, इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं है मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री कोई और बने, तो हो सकता है इन्हें इनका प्रमोशन हो, ये विधायक से सांसद लड़ाए जाएं, तो चुनाव दोबारा यहाँ पर होगा। हालांकि अखिलेश यादव ने बीजेपी पर भी हमला बोला। अखिलेश यादव ने हमला बोलते हुए कहा कि समाजवादी महिला पेंशन की कॉपी करके यह लाडली बहना चला रही है। इंडिया गठबंधन को लेकर उन्होंने कहा कि MRI और CT स्कैन से पता चल जाता है कि बीमारी क्या है, कांग्रेस अभी भी एक्सरे कराने के मूड में नहीं है। सबसे बड़ी बात तो देखिए आप, कांग्रेस जैसे लोग बदल गए, चमत्कार हो गया। जिन लोगों ने कभी जातीय गणना रोकी वो आज जातीय गणना की बात कर रहे हैं, जिन्होंने समाज को पीछे छोड़ दिया आजादी के बाद वो एक्सरे की बात कर रहे हैं। ये एक्सरे तो तब होना चाहिए था आजादी के बाद, अब तो MRI और CT स्कैन से अच्छा पता लग जाता है कि बीमारी क्या है। तो सोचिए कांग्रेस अभी भी एक्सरे कराने के मूड में है, जबकि अस्पतालों में डॉक्टर से पूछोगे तो वो अगर ज्यादा गंभीर एक्सरे में चीज पकड़ में नहीं आ रही है तो सिटी स्कैन और MRI करवाएगा। तो आज समाज में जो पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक, उन्हें वो हक सम्मान नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। इसीलिए आप जानते होंगे हर दल इस बात को कह रहा है कि जाति जड़ना होना चाहिए, आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिले। अखिलेश यादव के बयान पर इंडिया में दरार की बात को लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि इंडिया बीजेपी गठबंधन के खिलाफ है, अखिलेश यादव को लेकर अलायंस में कोई दरार नहीं पड़ेगी। लोगों ने राहुल को गलत समझा था, राहुल जो पहले थे आज भी हैं। 130 से 150 सीटों पर कांग्रेस की जीत होगी। इंडिया अलायंस हमारा जो है वो केंद्र राजनीति के लिए है और मूलतः भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और उसके कृत्यों के खिलाफ है। लेकिन गठबंधन में अखिलेश यादव जिस प्रकार से कटाक्ष कर रहे हैं, कोई दरार पड़ेगी? कोई बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।